हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे हम। कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी में हमने क्या देखा था कि उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, जैसे x इक्वल्स टू c कोई भी पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पे वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पे लिमिट के इक्वल ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। एक लास्ट एग्जांपल जो हमने करके छोड़ा था 1/x वाला ना, उसके बाद अब वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इन्फिनिटी का, कि व्हाट इज़ इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी आपको पता है क्या होता है? इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो होता ही नहीं है, मतलब दैट इज़ ए नंबर बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा नंबर जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे मैम 1 मिलियन इज़ द बिगेस्ट नंबर, मैं बोलूँगी नो, 1 मिलियन + 1 इज़ द बिगेस्ट नंबर। देन द सेकेंड वन सेज दैट 1 मिलियन + 2 इज़ द बिगेस्ट नंबर। सो इस तरह से ये नंबर सिस्टम चलता ही रहता है, देर इज़ नो एंड ऑफ दैट नंबर सिस्टम। सो यहाँ पे देखो हम एक इन्फिनिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो लिमिट, ये मेरे को फंक्शन दे रखा था जो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ये मेरा कोई फंक्शन था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। इसको मैं ज़ीरो के आसपास अगर मैं स्टडी करती हूँ, तो आप देखो जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो एक्स को कुछ वैल्यू दो, एक्स को वैल्यू दो 1, 0.3, 0.2, 0.1, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। और एक्स को आप जब माइनस में वैल्यूज़ दोगे तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएगी। जैसे ही आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, देखो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा अपना, जो एक्स देखो कहाँ टेंड कर रहा है, या तो इन्फिनिटी को, यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, वाई भी इन्फिनिटी को और इन्फिनिटी को। तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज़ देती गई, ये जो मेरा ग्राफ है ये किसको टेंड कर रहा है, या तो प्लस इन्फिनिटी को या फिर माइनस इन्फिनिटी को। तो ये एक कंसेप्ट, यहाँ पे हमने एक इन्फिनिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि कोई फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कैसे करता है। जैसे जैसे हम वैल्यूज़ देते जाएंगे वो इन्फिनिटी के ज़्यादा क्लोज, मतलब टच कभी नहीं करेगा। ये जो लाइन है देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लाइन कभी इस लाइन को टच नहीं करेगी, बस ये उसके नज़दीक 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 होती चली जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी के रिगार्डिंग अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 9 तक हम करके आए, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एक्स प्लस 2 है और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स माइनस 2 है। तो मैंने सिंपली इस फंक्शन को यहाँ ग्राफ प्लॉट पे, मैं चाहूँ तो इसको बना भी सकती हूँ, कि एक्स अगर मैं 1 रखूँ, अगर मैं एक्स को 1 रखती हूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? अगर मैं x को 1 रखती हूँ, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x प्लस 2 है, तो जैसे ही x को 1 रखा ये हो जाएगा 1 + 2, 3। तो यहाँ पे सपोज़ अगर मैं x को 1 रखा, तो देखो ये 1, 3 इन्होंने ये लाइन बना रखी है। अब x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो x को 0 रखो, देखो x को 0 रखोगे तो 2, देखो ये पॉइंट आ गया। फिर x को -1 रखो तो -1 + 2 = 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर x को -2 रखो तो -2 + 2 = 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ये एक लाइन बन गई यहाँ पे। इसी तरह से ये मैंने x माइनस 2 वाली लाइन प्लॉट कर ली x ग्रेटर देन 1 के लिए। x 1 नहीं होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो 1 - 2 - 1 आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये क्लोज डॉट है और यहाँ पे ये ओपन डॉट है, यानी यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ ये इंक्लूडेड है। इस वाले डॉट का मतलब होता है, अगर मैं इसको फिल कर रही हूँ, फिल्ड डॉट का मतलब होता है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड है, अनफिल्ड डॉट का मतलब होता है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर लाइन। अब ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है रियल नंबर लाइन की, ठीक है। 1 और 1 से छोटे के लिए वैल्यू x प्लस 2 है, 1 से बड़े के लिए वैल्यू x माइनस 2 है। अब मुझे इसकी कॉन्टीन्यूटी पता लगानी है, तो मैं क्या करूँगी, 3 केस बनाऊँगी। सबसे पहले c को लेस देन 1, फिर एक बार c को ग्रेटर देन 1 और एक बार c को इक्वल्स टू 1। जब क्योंकि इसने मेरे को पॉइंट नहीं दिया है, अगर ये यहाँ कोई पॉइंट दे देता तो मेरे को कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना इजी हो जाता। अब कोई पॉइंट दिया नहीं है तो मुझे इन जनरल कोई पॉइंट लेके आई हैव टू चेक आउट दिस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो इफ़ c इज़ लेस देन 1, अगर c 1 से छोटा है तो f ऑफ c कितना हो जाएगा, c + 2, क्योंकि c x लेस देन, देखो c क्या होता है, c कुछ भी नहीं होता है, ये जो x है ना, इस x को ही मैं कुछ देर के लिए c मान लेती हूँ।
अगर x को पॉइंट दिया होता तो ईजी है, तो यहाँ पे अभी मैं मान लूँगी एट x बराबर c, तो इफ़ c इज़ लेस देन वन, c वन से छोटा है तो क्या बनेगा फंक्शन x प्लस टू, तो मेरा f ऑफ c कितना हो जाएगा c प्लस टू, तो लिमिट x टेंडिंग टू c निकालूँगी x प्लस टू, तो वो मेरी कितनी आएगी c प्लस टू, तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया c लेस देन वन के लिए। अब मैं बात करती हूँ c ग्रेटर देन वन की, c ग्रेटर देन वन की बात करती हूँ तो f ऑफ c कितना हो जाएगा c माइनस टू यहाँ से, ठीक है ना, लिमिट निकालूंगी तो वो कितनी आई f ऑफ c, यानी ग्रेटर देन वन के लिए भी ये कैसा हो गया कॉन्टीन्यूस हो गया। अब c इक्वल्स टू वन की बात करती हूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एट f x इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे c बराबर वन पे बात करती हूँ, यानी ये मेरा यहाँ x बराबर वन है, तो एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगी, एक बार मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगी, तो अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस करती हूँ, यानी मैं माइनस साइन से चल रही हूँ, माइनस से चल रही हूँ, तो ये होगा x प्लस टू, तो ये हो गया वन प्लस टू बराबर थ्री, और अगर मैं राइट हैंड साइड से चलती हूँ तो ये होगा x माइनस टू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। यहाँ पे आके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूस नहीं है, उसके अलावा हर पॉइंट पे क्या है ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। तो इस फंक्शन का एक ही पॉइंट है जहाँ ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, दैट इज़ x इक्वल्स टू वन, क्लियर है। जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है ना बच्चों, देखो यहाँ पे फंक्शन किस पे ब्रेक हुआ, वन पे ब्रेक हुआ, मेरे को दिख रहा है, देखो लेस देन इक्वल टू वन के लिए ये है और ग्रेटर देन वन के लिए ये है, तो फंक्शन किस पे ब्रेक हुआ वन पे, इसीलिए मैंने तीन केस बनाए सी लेस देन वन, सी ग्रेटर देन वन एंड सी इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे ये जो है एक्स इक्वल्स टू वन, ये मेरा क्या आ गया पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन, x प्लस टू है जब फंक्शन लेस देन वन है, जीरो है जब x बराबर वन है, एंड x माइनस टू है जब ग्रेटर देन वन है। यहाँ पे फंक्शन x इक्वल्स टू वन पे ही ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं x इक्वल्स टू वन पे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालती हूँ x इक्वल्स टू वन पे तो लिमिट कितनी आती है, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस, देखना स्टूडेंट्स होप सो आपको दिख रही होगी ना, लिमिट x टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, वन माइनस के लिए एक्स प्लस टू काम में आएगा, वन माइनस के लिए एक्स प्लस टू काम में आएगा, तो ये वैल्यू आई थ्री, राइट हैंड लिमिट आई माइनस वन, और जीरो पे एक्स इक्वल्स टू वन पे वैल्यू है जीरो, तीनों अलग अलग आई, एक थ्री, एक माइनस वन, एक जीरो। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वन पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू वन, तो x इक्वल्स टू वन इसका क्या हो गया पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी हो गया है। ये देखो इस तरह से हम चाहो तो इसको आप ग्राफ से भी बता सकते हो, क्योंकि देखो लगातार ग्राफ नहीं है, वैसे भी दिख रहा है ग्राफ से भी कि वन पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ये वन पे यहाँ पे आके फंक्शन क्या हो गया ब्रेक हो गया, यहाँ भी वन पे फंक्शन ब्रेक हो गया, बिना पेन उठाए आप इन दोनों लाइंस को नहीं बना सकते हो, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाओगे फिर पेन उठा के आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू वन पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं ये हम देखते हैं, ओके। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अगर एक्स लेस देन जीरो है, एंड माइनस एक्स प्लस टू अगर एक्स जीरो से बड़ा है। अब इसने जीरो पे तो यहाँ हमको फंक्शन डिफाइंड ही नहीं कर रखा है कि जीरो पे फंक्शन क्या होगा, ओके। तो ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, तो मेरे को इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन इज डी वन यूनियन डी टू, तो इसकी दो, इस फंक्शन की दो डोमेन होएगी, डी वन तो होएगी एक्स लेस देन जीरो और डी टू होएगी एक्स ग्रेटर देन जीरो। दो केस बनाती हूँ, अगर कोई सी है, कोई पॉइंट है जो डी वन में बिलोंग कर रहा है, यानी जो मेरा सी है वो किससे छोटा है, लेस देन जीरो है, सी बिलोंग्स टू डी वन, या चाहो तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो सी अगर जीरो से छोटा है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू सी प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, हैंस एफ इज़ कंटिन्यूअस इन डी वन, यानी डी वन में तो ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब जब सी डी टू को बिलोंग कर रहा है, यानी जब सी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, उस केस में हमारा फंक्शन है माइनस एक्स प्लस टू, तो ये हो गया माइनस सी प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, इसीलिए ये डी टू में भी कंटिन्यू।
कंटिन्यूस है. तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ एफ, वी डिड्यूस दैट एफ इज़ कंटिन्यूस. नोट दैट टू ग्राफ दिस फंक्शन वी नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, बट वी नीड टू डू दैट ओनली फॉर दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ आपको पेन तो उठाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जीरो पे तो ये फंक्शन यहाँ डिफाइंड ही नहीं है ना, पेन तो उठाना पड़ेगा. लेकिन ये उस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है उस डोमेन में तो हमारा ग्राफ एक साथ बन रहा है. इसीलिए यहाँ ग्राफ से हम ऐसा पता लगाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. कहाँ पे? जहाँ डिफाइंड है. जहाँ डिफाइंड नहीं है वहाँ की हम बात ही नहीं कर रहे. ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी मैंने बात ही नहीं की कि ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है. जिन रीजन्स में डिफाइंड है वहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 13. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स स्क्वायर अगर एक्स लेस देन जीरो है. तो यहाँ भी वही, यहाँ पे तो जीरो पे फंक्शन डिफाइंड है. ओके, क्लियरली द फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर. ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये देखो ये ग्राफ बना दिया मैंने. ये हो गया एक्स का, ये हो गया एक्स स्क्वायर का और ये हो गया यहाँ पे जीरो का. तो ज़ीरो पे वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की? ज़ीरो. तो मैंने इसकी तीन डोमेन बना ली, D1, D2 एंड D3. एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो यानी एक डोमेन जिसमें सिर्फ ज़ीरो है और एक हो गया एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो. तो केस फर्स्ट मैं डोमेन D1 की बात करती हूँ. मेरे को डोमेन D1 क्या है मेरी? एक्स लेस देन ज़ीरो. एक्स लेस देन ज़ीरो पे फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल है तो ये हर जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा. नाउ ये कैसा पॉलिनोमियल है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स की डिग्री कितनी है? 2. के सेकंड देखती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कैसा है? कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है. तो D1 और D2 दोनों में ये फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया. अब केस 3 की बात करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो की. तो एफ ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0. लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस निकालती हूँ तो भी 0 आएगी, 0 प्लस निकालती हूँ तो भी 0 आएगी. इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. इसका मतलब ये फंक्शन इसके डोमेन के हर पॉइंट पे कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14. शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस. जो चीज़ मैं आपको पहले प्रूफ बता चुकी हूँ कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है. पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें एक्स की कुछ डिग्री होती है, जैसे एक्स की पावर एन हो सकता है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो सकता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस टाइप के जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं. क्योंकि रिकॉल दैट ए फंक्शन पी इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इफ़ इट इज़ डिफाइंड बाय पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जहाँ हर कोफिशियंट्स जो हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे. क्लियरली दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. क्योंकि कोई भी फिक्स्ड सी को मैं लेती हूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पी एक्स किसके बराबर आएगा? पी ऑफ सी के. इसीलिए पी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एवरी रियल नंबर एंड हैंस पी इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. यानी हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किए एग्जाम्पल नंबर 14. एग्जाम्पल नंबर, कुछ एग्जाम्पल्स और बच रहे हैं आपके. जैसे एक दे रखा है इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जाम्पल दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो एग्जाम्पल होता है ये डिसकंटिन्यूटी मुझे इसकी पता लगानी है. तो इन पॉइंट्स की डिसकंटिन्यूटी नेक्स्ट क्लासेस में हम गो ऑन करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 15 वगैरह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. अभी तक के लिए हमको ये ध्यान रखना है पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने पढ़े ये सारे फंक्शंस इस टाइप के क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट मोर एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.